ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर की उपस्थिति में जनपद पंचायत से विशाल रैली निकालकर क्षेत्र के अति वर्षा से प्रभावित फसलों के मुआवजे की मांग का तहसीलदार कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली में किसान अपने हाथों में खराब कपास, मिर्ची व सोयाबीन की फसलें लेकर चल रहे थे। ज्ञापन का वाचन राजन सिंह मंडलोई द्वारा किया गया। वहीं जय जवान जय किसान और भाजपा सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए गए। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज इतनी बड़ी संख्या में किस बात का ज्ञापन देना आया था? आज हम सब जानते हैं, आप भी ज्ञात में, आपके भी ज्ञात में, पिछले दिनों लंबी पानी की खेच, वर्षा की खींच के कारण, वर्षा की खेच के कारण मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसलें पहले ही नष्ट हो गई। और अब दो तीन दिन पहले जो पानी गिरा, अतिवृष्टि हुई, उसमें बची हुई फसल कपास, मिर्च, मक्का पूरी तरह से खराब हो गई। मक्का जो है आड़ी पड़ गई, कपास आड़ा पड़ गई, ये कपास के जो घेटे हैं पूरे काले पड़ गए हैं, और मिर्ची भी कुछ नहीं बची, नीचे से जड़ें पूरी साफ, पूरी फसलें पूरी तरह से अब चौपट हो गई। किसान के पास अब घर लाने के लिए कुछ नहीं है, और शासन अभी तक बिल्कुल निष्क्रिय है, क्योंकि उसका अमला ही आधा था, जो प्रशासनिक अमला जो निचले जमीनी स्तर का, वो हड़ताल पे कई दिनों से। अब मुआवजा के सर्वे कैसे है? अब सर्वे लायक कोई चीज़ खेत में बची नहीं। हमारी मांग है कि तत्काल अब जो फसल बोई है उसका तत्काल मुआवजा सीधे सीधे बिना सर्वे का दे। जैसे शिवराज सिंह जी ने कहा है किसी अपने स्पीच में खेतों में खड़े रह के कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टर सोयाबीन का मुआवजा मिलना चाहिए, और उन्हीं के कहे अनुसार हम भी मांग करते हैं कि प्रति किसान का सोयाबीन का और अन्य फसलों का 40,000 रुपये प्रति हेक्टर उनको देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।